उपचुनाव होते हैं उसमें सरकार की एंटी करेंसी होने के कारण से प्रायः ये माना जाता है कि प्रतिपक्ष को सफलताएं मिलती हैं। आपने देखा होगा 13 से 18 के बीच में जब हम विपक्ष में थे तो 8 उपचुनाव हुए थे, 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, संकेत मिल गए थे कि एंटीकमेंसी इतनी तकड़ी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। आज जब हम 7 उपचुनाव हैं तो 5 में कांग्रेस जीती, 1 में आरएलपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव जीती थी और 1 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, वो भी 25,000 के जंतर से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5,000 में सिमट गई। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ पूरी एंटी कमेंसी है और हमारी सरकार राजस्थान में जो चल रही है उसकी गुड गवर्नेंस और लोकप्रियता इतनी है कि ये संकेत ये हैं कि 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ में बनने वाली है।